नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 11 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। जदयू ने पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक के बयानों से झाड़ा पलरा। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने पूर्व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक से पीछा छुड़ाते हुए कहा है कि पदमुक्त नेताओं के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कहा है कि अजय आलोक के बयान को पार्टी का बयान नहीं माना जाए। आपको बता दें, कुछ दिनों से लगातार जदयू के पूर्व प्रवक्ता रहे डॉक्टर अजय आलोक ट्वीट कर रहे हैं, जिससे कि पार्टी के नेता असहज हो रहे हैं। वहीं अजय आलोक के धराधर ट्वीट से पार्टी की गरिमा पर आंच आने लगी है। बिहार की मदद के लिए सामने आए अमिताभ बच्चन। बिहार में बाढ़ की हालत से जूझ रहे लोगों की जितनी मदद की जाए कम है। सरकार अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश कर सभी बाढ़ प्रभावितों को राहत मुहैया करवाने में जुटी है। वहीं केंद्र सरकार ने भी बिहार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इसी बीच फिल्मी जगत के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बाढ़ प्रभावितों के लिए 51 लाख की राशि बिहार सरकार को सौंपी है। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के प्रतिनिधि विजयनाथ मिश्र ने खुद उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें यह चेक दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए सरकार पर कसा तंज। न्यूज फॉर नेशन को दिए अपने एक साक्षात्कार में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा और जदयू के गठबंधन पर किसी को कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके गठबंधन की सच्चाई जनता के सामने आईने की तरह साफ है। बस दुख इस बात का है कि इन दोनों की कसाकसी के बीच में बिहार की जनता पिस रही है। रिलायंस जियो की फ्री कॉलिंग सेवा हुई खत्म। जियो सिम यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। जियो ने बेधड़क बिना रोके घंटों बात करने वाले उपभोक्ताओं पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है। अब जियो नेटवर्क से किसी अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग चार्जेस कटेगा, जिसके पश्चात अब किसी दूसरे नेटवर्क पर बात करने पर 6 पैसे प्रति मिनट की कटौती की जाएगी। आपको बता दें, कॉल टर्मिनेशन चार्ज को लेकर हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इसी बीच बिहार में 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह के साथ साथ कई और केंद्रीय मंत्री शामिल है। इसके साथ ही राजद और जदयू ने भी अपने अपने प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, नाथनगर, सिमरी बख्तियारपुर, दरौंदा, बेलहर तथा किशनगंज में 21 अक्टूबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बिहार बोर्ड ने जारी किए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सैंपल पेपर्स। बिहार बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा से पहले परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का नमूना जारी कर दिया है। छात्र अब जारी किए हुए सैंपल पेपर्स को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल प्रशांत किशोर से जदयू को है काफी उम्मीद। 21 अक्टूबर को बिहार में 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। इसी बीच जदयू की ओर से स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर से पार्टी को काफी सारी उम्मीदें हैं। जदयू और प्रशांत किशोर का राजनीतिक साथ काफी गहरा है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह व मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह शामिल हैं। बिहार इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा की तारीख की हुई घोषणा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर 2020 इंटरमीडिएट में शामिल होने वाले छात्रों के सेंटर परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ली जाएंगी। बिहार बोर्ड ने बताया है कि स्वतंत्र श्रेणी और नियमित श्रेणी के छात्र छात्राओं को सेंटर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इसके साथ ही परीक्षा समिति ने यह भी साफ कहा है कि सेंटर में पास हुए विद्यार्थियों को ही इंटर परीक्षा 2020 का ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया जाएगा। पटना में जलजमाव के बाद हरकत में आई सरकार। हाल ही में हुए बारिश ने पटना के सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम के विकास की सच्चाई को सबके सामने पेश कर दिया, जिसके बाद अब जाकर प्रशासन हरकत में आई है, जिसके बाद कई अहम योजनाओं पर सरकार द्वारा मुहर लगाई गई है। इनमें बुड़को और निगम के बीच सामंजस्य बनाने, नए इलाकों में ड्रेनेज बनाने, जनसंख्या के अनुसार ड्रेनेज निर्माण जैसी योजनाओं पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही सम्प हाउस की क्षमता बढ़ाने और नगर निगम को एस्टीमेट बनाने का निर्देश भी दिया गया है। राजद ने अपने प्रचारकों की लिस्ट की जारी। आगामी विधानसभा उपचुनाव की प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के अलावा 40 ऐसे सदस्यों के नाम शामिल है जो कि लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें, इस सूची में सिवान के शहाबुद्दीन की पत्नी का नाम भी राजद ने शामिल किया है। बीपीएससी 65वीं की तारीख बढ़ने की मांग एक बार फिर उठी। रालोसपा बिहार के छात्रों की मांग को देखते हुए अब बीपीएससी 65वीं परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। ज्ञात हो यह परीक्षा 15 अक्टूबर को होने वाली है। हालांकि सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
परीक्षा निर्धारित तारीख पर ही होगी, लेकिन उसके बावजूद अब रालोसपा पार्टी भी तारीख आगे करने की मांग करने मैदान में उतरी है। भाजपा जदयू के बीच चल रहे आपसी मनमुटाव की वजह बताएं नीतीश सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा इस समय पूरे देश में सबसे मजबूत पार्टी है। ऐसे में नीतीश कुमार बताए कि बिहार में भाजपा के नेतागण उनकी पार्टी से नाराज क्यों हैं? भाजपा लगभग पूरे भारत में अपनी सरकार चला रही है, ऐसे में हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में बारिश के कारण पैदा हुए हालातों को देखकर ही दोनों पार्टियों में दरार पैदा होनी शुरू हो गई थी। अगले दो तीन दिनों में बिहार से मॉनसून की रुखसती की संभावना बढ़ी। बारिश से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी, मौसम विभाग ने बिहार में मॉनसून को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दो तीन दिनों में मॉनसून का जाना लगभग तय है। ज्ञात हो कि इस साल मॉनसून की विदाई समय से 15 दिन लेट हो रही है। बिहार में सितंबर अक्टूबर के महीने में हुई बारिश पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड ब्रेकर थी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर कसा तंज। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं गंवाते नीतीश सरकार पर तंज कसने का। सरकार पर इल्जामों का दौर जारी रखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दोनों गठबंधन दलों के बीच में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके आगे उन्होंने यह कहा है कि रावणवध में भाजपा के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। बिहार में बारिश के कारण हुए हालात के लिए भी सिर्फ नीतीश कुमार को ही कोसा गया, जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने जदयू को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार में इतना दम है तो वो आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़कर दिखाएं। यूजीसी ने एनईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख बढ़ाई। यूजीसी ने एनईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकते हैं। आपको बता दें आवेदन भरने की तारीख 9 अक्टूबर को ही थी। इच्छुक अभ्यर्थी www.nta.nec.in या www.nta.ac.in पर जाकर लॉगिन कर आवेदन भर सकते हैं। यह परीक्षा 2 से 6 सितंबर तक आयोजित होगी, वहीं 31 सितंबर को इसके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। भाजपा सांसद ने नीतीश कुमार को दी नसीहत। बिहार में चल रही एनडीए दलों के बीच की खींचतान अब साफ तौर पर दिखने लगी है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नीतीश कुमार को आगाह करते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं तो छोटे भाई की भूमिका में रहें। भाजपा लहर के बीच भाजपा हमेशा बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी। नवादा में खनवा गांव का डाकघर अब श्री कृष्ण सिंह के नाम पर। नवादा के खनवा गांव का डाकघर अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर होगा। नवादा के खनवा गांव के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने विश्व डाक दिवस पर इसकी घोषणा की है। अगले एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले डाक दिवस के शुभारंभ भी नवादा में किया गया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर कसा तंज। चुनाव प्रसार में निकलने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए बिहार को अस्थिर कर दिया है। नीतीश जी बस अपने आप से मतलब रखना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, उन्हें बिहार और बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार महज कुर्सी बचाना चाहते हैं। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को मिली छुट्टी। बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को पीएमसीएच से छुट्टी मिल गई है। तबीयत नासाज होने के कारण वशिष्ठ नारायण सिंह पीएमसीएच में थी। वहीं वशिष्ठ नारायण के भाई अयोध्या सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा बयां करते हुए कहा है कि अब इन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, सरकार को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। भागलपुर में जदयू के आरसीपी सिंह ने गाया जदयू आलाप। चुनाव प्रचार करने भागलपुर पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद आरसीपी सिंह ने जदयू राग आलापते हुए कहा है कि बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जदयू के मुकाबले में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नाथनगर की जनता पहले ही जदयू के प्रति विश्वास दिखा चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख में हो सकती है देरी। अभी तक एनटीपीसी परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने में देरी होने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञात हो कि 35,208 पदों के लिए 1,26,00,000 से भी ज्यादा आवेदन भरे जा चुके हैं। आपको बता दें आरआरबी के अनुसार ये एग्जाम एजेंसी पूरे भारत में 15 भाषाओं में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, मणिपुरी जैसे विषय शामिल होंगे। रावण दहन में अनुपस्थित रहे उप मुख्यमंत्री पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। दशहरा के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम से गायब रहे सभी भाजपा नेताओं को लेकर विपक्ष बयानबाजी करने से नहीं चूक रहा है। सबसे ज्यादा फायदा राजद इस मौके का उठा रहा है।
तहन में उपमुख्यमंत्री मोदी के अनुपस्थिति पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हेलो मिस्टर वाइस कैप्टन, आपके कैप्टन मैदान में अकेले हैं, आपके वफादार सहयोगी उन्हें बोल्ड और ऑल आउट करवा रहे हैं, आप क्यों भाग गए हैं और क्यों छुप रहे हैं, रेस्क्यू किया जाना ठीक है, आपके लिए सीएम के दशहरा कार्यक्रम का बहिष्कार करना आसान नहीं होगा, क्या ऐसा नहीं है। विराट कोहली ने सौरभ गांगुली को पीछे छोड़ बनाया एक नया रिकॉर्ड। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में टॉस करने उतरे विराट कोहली ने पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को पीछे छोड़ कप्तानी में अर्धशतक लगा एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। दरअसल विराट कोहली 50 टेस्ट सीरीज में कप्तानी करने वाले पहले कप्तान बने। आपको बता दें, भारत इस सीरीज का पहला मैच जीत चुका है। जदयू ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव के प्रचार प्रसार करने पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी एक राजनीतिक पर्यटक है, वो एक बार फिर से घूमने के लिए ही निकले हैं। उन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं, अगर उन्हें वाकई में बिहार की जनता से मतलब होता तो वे बिहार में रहकर राजनीति करते और जनता के सुख दुख के भागी बनते। फिल्म बाला का ट्रेलर हुआ रिलीज, हंस हंस कर लोटपोट हो रहे लोग। आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म बाला का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में शानदार डायलॉग्स और कॉमिक सीन्स को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रिलीज होते ही यह ट्रेलर कई लाख लोगों ने देख लिया। ट्रेलर को देख लोगों का रिस्पांस इस फिल्म के लिए काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।